इस मंदिर की एक अलग ही खासियत है यार। कहते हैं कि इस मंदिर के पत्थरों को थपथपाने में ना डमरू की आवाज़ आती है कि भाई शिवलिंग के पास ही जो पत्थर हैं उसको थपथपाने से डमरू की आवाज़ आती है। एशिया का जो है सबसे हाईएस्ट टेंपल है। आखिर इस पानी का क्या रहस्य है भाई जो 24 घंटे पानी निकलता रहता है। हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। और आज हम आपको लेके आए हैं जटोली के शिव मंदिर में। ये है सोलन में और ये देखो भाई हम मंदिर के पास ही हैं। और ये देखो भाई बस सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और आपको भाई मंदिर दिखाते हैं, मंदिर का इतिहास बताते हैं। और यहाँ पे पता है इस मंदिर की एक अलग ही खासियत है यार। कहते हैं कि इस मंदिर के पत्थरों को थपथपाने में ना डमरू की आवाज़ आती है। तो चलिए भाई चलते हैं, ऐसा क्या है भाई इस मंदिर में, हम भी तो देखें यार ज़रा, मतलब कि कैसे यार डमरू की आवाज़, ये बहुत सोचने वाली बात है। तो चलिए भाई अब चलते हैं मंदिर के अंदर। और मंदिर का ये जो गेट आप देख रहे हैं भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब इस पर काफ़ी ज़्यादा भी काम चल रहा है इस मंदिर के ऊपर। तो चलिए भाई अब चलते हैं मंदिर के अंदर। मेरे सामने जटोली शिव मंदिर है, ये देख कितना ही भव्य लग रहा है यार, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है भाई, अलग लेवल है यार, खूबसूरती का एक अलग ही लेवल है। और चलिए भाई अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर और देखते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं भाई। मुझको तो आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। सो फाइनली भाई मैं पहुंच चुका हूं जटोली शिव मंदिर के बाहर, मैं खड़ा हूं। ये देखिए भाई ये है मंदिर, भव्य मंदिर है, काफ़ी भव्य लग रहा है। और ऐसी मान्यता है कि भाई शिवलिंग के पास ही जो पत्थर हैं उसको थपथपाने से डमरू की आवाज़ आती है। तो चलिए भाई अब चलते हैं अंदर। कुल ये जो मंदिर है आप जानते हो कि ये जो हमारे एशिया का जो है सबसे हाईएस्ट टेंपल है। yes, और इसकी जो हाइट है वो लगभग 125 फीट ऊंची है। 125 फीट? हाँ जी। और मैम ऐसा कहते हैं कि उन्होंने मैम पानी भी कोई निकाला था? हाँ पानी नहीं, वो एक्चुअली हम उसको बड़े रिस्पेक्ट वे में होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस है यहाँ का, वो यहाँ से 10-20 मीटर दूरी पर होगा पीछे। और हाँ वहाँ पे जो उस जल की जो इतनी इम्पोर्टेंस है, अगर उस जल को अच्छे से मतलब ले लिया जाए, विधि विधान से अपने घर अच्छे से ले जाते हैं तो उसका वो इम्पोर्टेंस है, जैसे गंगा जल की इम्पोर्टेंस होती है, उसको अगर अच्छे से रखो आप तो उसमें कभी भी। और वो पानी में हमेशा निकलता रहता है? वो हमेशा निकलता है और वहीं से चढ़ता है भोले शंकर के ऊपर। अच्छा। वो एक्चुअली मेन प्लेस है, वहाँ का तपस्या स्थली है जहाँ पे महाराज जी ने तपस्या की थी। ये देखिए भाई ये है वो शिव मंदिर, यहाँ पे शिवलिंग है। और यहाँ पे कहते हैं गुरुजी ने, जो यहाँ के गुरुजी थे उन्होंने भाई जल निकाला था, अपनी तपस्या करके जल निकाला था। और कहते हैं ये जल कभी भाई खत्म नहीं होता, पानी का स्रोत यहाँ से देखिए धीरे धीरे बहता जा रहा है, पानी हमेशा निकलता रहेगा थोड़ा थोड़ा। तो पानी भाई यहाँ पे पहले काफ़ी ज़्यादा किल्लत थी, और उस जब गुरु जी ने यहाँ से पानी निकाला तब से पानी की कोई किल्लत नहीं है यहाँ पे। और ये भोले बाबा हैं, शिवलिंग है आप देख सकते हैं, और यहाँ से भाई हमेशा पानी निकलता ही रहता है। ये देखो भाई हमेशा निकलता रहता है। तो चलिए भाई आपको मंदिर कैसा लगा एक बार आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भाई मंदिर काफ़ी ज़्यादा भव्य है आप देख सकते हैं, ये देखो भाई बहुत ज़्यादा अच्छा है। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ भाई कि यहाँ पे एक अफवाह बहुत ज़्यादा फैली हुई है कि इस जटोली शिव मंदिर में ना कि किसी एक पत्थर में डमरू की आवाज़ आती है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस मंदिर में नहीं है, है सोलन में ही। सोलन में एक पड़ती है जगह शिवढाक मंदिर है, वहाँ पे बड़ोक के कहीं आसपास है तो वहाँ पे है वो चीज़, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने सोचा कि उन्हें आपको बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दी जाए। और भाई लेकिन एशिया का सबसे हाईएस्ट टेंपल आप देख सकते हैं, इतनी ऊंचाई पे, काफ़ी ऊंचाई पे बना हुआ है भाई, मंदिर के अगल बगल की खूबसूरती आप देखेंगे ना तो भाई ये किसी जन्नत से कम नहीं है भाई, ये पूरा पूरा स्वर्ग है। मैं आपको बता दूं भाई, दिखाऊंगा आपको खूबसूरती भाई, आप पागल हो जाएंगे ऐसी खूबसूरती है। ये भाई कितना प्यारा व्यू, आप खुद सोचिए यार बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए भाई ये मंदिर का बहुत ही शानदार आलीशान नज़ारा है, आप देखेंगे तो भाई भव्य नज़ारा ही भाई बहुत ही खूबसूरत। और वो देखिए भाई मंदिर है, और ये देखिए भाई आलीशान व्यू,
आप देखिए है ना सॉलिड भाई, बहुत ही प्यारा वेव आता है, बहुत ही सुकून है, शांति है यहाँ पे, बिल्कुल भी शोर शराबा कुछ भी नहीं है यहाँ पे भाई, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आके। ठीक है, आप आइए। और यहाँ पे मैं बता दूँ भाई, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी पत्थर को थपथपाने से डमरू की आवाज़ आती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे तो भाई जो महाराज जी, उनसे मैंने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे बहुत लोग आते हैं और पूछते हैं कि वो कौन सा पत्थर है भाई कि जिसको थपथपाने से डमरू की आवाज़ आ रही है। तो बता रहे थे कि संडे को, हर संडे इतनी भीड़ लगती है यहाँ पे, कुछ कहने की बात नहीं। हालांकि आप आइए श्रद्धा अनुसार आइए, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन यहाँ पे वो पत्थर नहीं, मेरा मतलब है कि मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन दूँ। तो ये देखिए भाई, ये है भव्य मंदिर, एशिया का सबसे हाईएस्ट टेम्पल। ये देखिए भाई, मंदिर रात में काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है, लाइटों से बिल्कुल चमचमा आ जाता है ये मंदिर। आपको मंदिर कैसा लगा, जटोली शिव मंदिर, एक बार आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये भाई जटोली शिव मंदिर एशिया का सबसे हाईएस्ट टेम्पल है, मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी बता रहा हूँ, आप आइए और दर्शन कीजिए आके। और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई कि किसी पत्थर को थपथपाने से डमरू की आवाज़ आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आइए और दर्शन कीजिए यहाँ पे। हाँ, गुरु जी ने एक पानी की धारा निकाली थी, वो धारा, पानी की धारा अभी बहती जा रही है और वो गंगा जल से भी ज़्यादा पवित्र मानी जाती है। ठीक है, आपको वीडियो कैसे लगी एक बार आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टाटा बाय बाय, हर हर महादेव।